अब ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल मैं क्या पहनूं। मोस्ट ऑफ सब बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम ना जो फेरों में पहनते हैं वो वाला लहंगा पहनना चाहिए, तो वो पहनूं या फिर साड़ी पहनूं या क्या पहनूं। और ये पता नहीं इतनी सारी बैंगल्स वगैरह रखी हुई है, उसमें से भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ज्वेलरी कौन सी पहनूं क्या पहनूं, क्योंकि गोल्ड वाली तो मम्मी जी ने दी नहीं है, तो मुझे कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा फिलहाल। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या डिसाइड कर रही हूँ क्या पहनने के लिए। तो संजू आया है बाहर सारा सामान लेके कल की पूजा के लिए। यस आ गई। मैंने सुबह के लिए सारा सामान निकाल के रख दिया है और वो मेरा लहंगा रख दिया है साइड में। लगाने जा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी एक्चुअल में सच बोलूँ ये निकल रही है, अपने आप निकल रही है। मुझे पसंद तो नहीं है बट ऐसे ही राउंड राउंड बना दूंगी दो, क्योंकि मेहंदी से ना हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं मेरे, इसलिए मुझे मेहंदी नहीं पसंद है, बट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी मेहंदी लग गई है, मैंने इतनी लगाई है क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। और अगर मैं लगा भी लेती इस एंड पे तो मैं लगा देती, मुझे मेहंदी लगानी आती तो इस एंड पे फिर ऐसे लगाना पड़ता तो दोनों अलग अलग हो जाता तो बड़ा वियर्ड लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दोनों पे सेम सेम लगा लूँ। तो अभी फ़िलहाल घड़ी में 8 बजे, मैं रात को 12 बजे खाना बनाऊँगी, 1 बजे तक संजू आएंगे तब तक तो ये सूख भी जाएगी। और राइट लेफ्ट एंड में लगानी है, वो संजू आएंगे तब लगा के देंगे रात को, क्योंकि अभी मैं तो लगा नहीं सकती इस हैंड से, इसलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं बहुत लेट उठी हूँ, और ये रही मेरी मेहंदी। इस आपके तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, संजू रात को लेट आए थे और ये नेल पेंट भी लेके आए थे, मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने लगा लिया। और ये यहाँ पर अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, कपड़े रखे हुए, ये वॉश करके फटाफट नहा के फिर रेडी होती हूँ, झाड़ू से लगा लिया, पोछा और लगा लेते हैं और फिर कपड़े धो लेते हैं एंड देन उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी नहा कर रेडी हो गई थी, रेडी हुई वो आप लोगों को नहीं बता पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था इसलिए। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पूजा में रखने वाला सारा सामान। तो ये मैंने लिया है चींटियों के लिए गुड़ और आटा, और ये सारी प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रखी थी वैसे तो। इसमें नारियल, ये मिठाई, इस माता जी के श्रृंगार का सामान, और इसमें लेंगे दही, यहाँ पे लिया है ये गुड़ और ये कपूर, और ये रुमाल मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, सो ये इसके ऊपर ढकने के लिए जल नहीं है, जल लेके आती हूँ मैं। घर के लिए खिलौने वगैरह जो गहने वगैरह बनाते हैं उनके लिए ज्वेलरी, सो वो बनाई है मैंने। मैं हो गई वैसे रेडी, आज ज्यादा कुछ तो नहीं हुई, ज्वेलरी वगैरह तो मैंने वेयर नहीं की। तो यहाँ पे लकी मुझसे एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें कर रहा है क्योंकि उसकी आज एग्ज़ाम है, लास्ट है, तो वो ऐसी मस्ती मजाक कर रहा था। भाभी मेरा पेपर 1 घंटे पहले हो गया, तो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं बोले सबसे जो डम होते हैं ना उनका पेपर सबसे पहले होता है, तो हम लोग इससे बातें कर रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे और इधर मैं अपना काम कर रही थी। प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रखी थी जैसे ये सब, तो मेरे कपड़े वगैरह मैंने रात को ही निकाल के रखे थे ताकि सुबह जल्दी जल्दी हो जाए, जैसे सारा काम तो मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा कपड़े धोना। और घड़ी में बज रही है फिलहाल 10, और मैं जल्दी उठने के चक्कर में लेट उठी थी 7:30 बजे, क्योंकि मेरे फ़ोन में अलार्म नहीं है ना, तो मैंने संजू को बोला था अलार्म लगाने के लिए बट वो खुद ही सो गए, इसलिए फिर 7:30 हो गई थी, मीन्स 7:20 हो गए थे। संजू कर रहे बाहर बैठ, और मैं ये बाइक पे थाली पकड़ के कैसे बैठूंगी आई डोंट नो, आई एम सो नर्वस क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, कैसे क्या करते आई डोंट नो। कुमकुम नहीं दिया मैंने, चल ये कुमकुम, बाकी सब कुछ ले लिया है मैंने, ये फ्लावर्स, ये दही तो इसमें रख देते, जल इसमें रख देते ताकि ये बार ना कर काम आ जाए, ये हमारी माचिस और ये मेरा रुमाल।
तो मुझे जाना बिना चप्पल के। तो हम पहुंच गए सिटी। सिटी में जाने के बाद में हम बड़ी मम्मी से मिले, तो बड़ी मम्मी ने बोल सब कुछ समझा दिया मुझे, और बड़ी मम्मी ने बोला कि आप करीना को लेके जाओ। तो करीना को मेरे साथ में भेज दिया है पूजा करने के लिए, तो करीना मुझे बताएगी मुझे कैसे क्या करना है। तो मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, फ़िलहाल कोई आया हुआ नहीं है, अभी मीन्स आके चले गए, अब बाद में थोड़ी टाइम बाद और औरतें आएगी, वो आंटी जी बता रहे थे यहाँ पर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर अकेली हूँ जो यहाँ पर पूजा करूँगी। तो यहाँ पे आंटी जी से मैंने पैसे दे के ले ली है वेल। करीना ने बताया कि इनको पैसे देने हैं, देन ये आपको वेल देंगे। करीना मेरी ननंद है जो यहाँ पे ये पीछे खड़ी है, मुझसे काफ़ी छोटी है वो, और लकी कर रहा है यहाँ पे शूट। तो सबसे पहले मैंने जल के छींटे देखे यहाँ पे चारों तरफ किया पवित्र, करीना ने मुझे बोला था कि ऐसा करना है इसलिए। और फिर दशा माता के पीपल के पेड़ के ऊपर मैंने जल चढ़ाया, और उसके बाद में मैंने रखा यहाँ पर दही, पर दही इस पर आ नहीं रहा था कटोरी से। फिर कुमकुम वगैरह, और बड़ी मम्मी ने बताया था कि दिया जलाना होता है तो उजाला होता है, जल चढ़ाने के बाद में दिया जलाना है, देन उसके बाद में कुमकुम वगैरह ये सब लगाना है। तो करीना बता रही कि गेहूँ रखो और उसके ऊपर ऐसे गोल गोल करके, देन उसके बाद में उसके ऊपर दिया रख के फिर जलाना है। होने के बाद में फिर अगरबत्ती दिया जलाने के बाद में फिर नीचे बैठ के पूजा अलग से और करनी होती है। ये तो पीपल की पूजा होती है, तो यहाँ पर इतने सारे न्यूज़पेपर लगे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी टिकली लगानी होती है, मींस की 10-10 मेहंदी की, 10 कुमकुम की वगैरह सब कुछ, और श्रृंगार का पूरा सामान जो था वो संजू लेके आए थे तो एक साथ चढ़ा दिया मैंने, क्योंकि वो पूरा पैकेट था इसलिए। देन उसके बाद में मुझे इन पीपल के पेड़ की पूरी 10 परिक्रमा करनी थी, और मैंने ये जो क्या बोलते हैं इसको, आटे के जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो सब बनाई है हल्दी डाल के, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। तो मैं बचपन में बड़ा शौक था, तो मैं भी जल्दी उठ के उनकी हेल्प करवाती थी। तभी मैं नीचे बैठ गई हूँ और पूजा कर रही हूँ अलग से। जो यहाँ पे जो बड़ी मम्मी है वो करीना की मम्मी है।
बट एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैं यहाँ पे अकेले थी, पहले मेरी पूजा हो गई, देन उसके बाद मैं 50 से 60 लेडीज़ आ गई थी, तो मैंने आराम से पूजा कर ली, फिर उन लोगों ने पूजा की, फिर मैंने सबके पैर छुए थे तो आराम से हो गया था, क्योंकि भगवान जी ने भी मुझे आराम से पूजा करने के लिए बुलाया, इतनी भीड़ में नहीं बुलाया, स्पेशल लोगों को स्पेशल तरीके से ट्रीट करती है माँ भी, सो थैंक यू माँ कि मुझे स्पेशल फील करवाया, मुझे स्पेशल आराम से पूजा करने दी उसके लिए। मैंने दशा माता तो पूछ लिया, ऊपर आई थी पटवारी माता पूजने और धन लेने, जो इस फिंगर से लेना होता है, बहुत मुश्किल के बाद मिला है। अभी नीचे चलते और पटवारी माता पूछते, फिर आड़ी बाड़ी सुन के घर जाएंगे। तो यहाँ है ये पतवारी माता, मीन्स ये अलग से पूजे जाते हैं, मंदिर में नहीं होते, मीन्स कि 10 या 7 पत्थर लेने होते हैं, देन उसके ऊपर हल्दी कुमकुम दही जल वगैरह चढ़ाना होता है। पतवारी मीन्स कि पत्थर ही होते हैं, वो भी एक भगवान का रूप होते हैं। सो मैंने आटे का दिया बनाया था पतवारी के लिए और एक दशा माता के लिए, जो आटे से सामान बनाए थे वो मैंने ऊपर रखे थे, एक इधर रखा था मैंने यहाँ पर। अब इसके ऊपर दही वगैरह डाल के अच्छे से, फिर उसके ऊपर तिलक वगैरह लगा के मैंने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पैर वेर छू के भगवान जी से माफ़ी मांग रही हूँ, मीन्स की माता रानी से, कि जितना मेरे को आता है उतना मैंने कर लिया है, बाकी भूल चूक हो जाए तो माता रानी प्लीज़ क्षमा कर देना, आप ही के बच्चे हैं, सो उनसे सॉरी भी बोलना पड़ता है, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है यार। तो यहाँ पे मैं सबसे आशीर्वाद ले रही थी और सबने बहुत बहुत अच्छे 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 आशीर्वाद दिए थे, मीन्स सदा खुश रहो, सदा सौभाग्यवती भव एंड ऑल मीन्स सबके पेड़ छुए थे। फिर मैंने यहाँ पे सबसे आशीर्वाद लिया और मैं वापस मंदिर में ऊपर आई थी पैसे रखने के लिए इसलिए, और ये दीदी बता रही मैं छोटी हूँ, नहीं 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 मेरे पैर नहीं छूना, तो मैंने उनके पैर नहीं छुए यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे एक दो सब्सक्राइबर मिल गए, मीन्स 3 या 4 थे, उन्होंने बताया मेरे ब्लॉग देखते हैं, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके भी। पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी मेरी ननद के साथ में घर पे, तो चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ, तो चाय वगैरह मैंने नहीं पिया, पानी पिया, देन उसके बाद में हम लोग वापस आ गए हमारे घर, और पूजा वगैरह मैंने कर ली और स्टोरी वगैरह सुननी थी, कथा करनी थी, वो मैंने घर आकर करी है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ भोग के लिए लापसी, ताकि मैं दशा माता को भोग लगा के और फिर संजू को खाना खिला सकूँ। तो मैं बनाऊँगी अभी कढ़ी, लापसी चावल और रोटी, बिकॉज ना मेरी मम्मी भी हमेशा ऐसे ही बनाती है, और मेरे पापा ना शॉप से कभी घर पे नहीं आते, दशा माता होती है तब स्पेशल वो उस दिन घर पे आते हैं, देन मम्मी पापा साथ में फास्ट जो भी होता है वो खोलते हैं, तो इसी तरीके से मुझे सभी के साथ में करना है। और हाँ, मुझे एक बात याद आई, मैं वहाँ पे सबके पेड़ छू रही थी ना घास लो मैं वहाँ पे सबके पेड़ छू रही थी, तो एक दीदी ने मुझसे बोला था, मतलब भाभी थे, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे करके पेड़ छू रही थी ना सबके, तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके नहीं छूना जैसे भुट्टे छूते हैं, वैसे अपन भुट्टे थोड़ी है वगैरह, आपने मुझे ऐसा बोला, थैंक यू भाभी, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे समझा और मुझे ये बताया, आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो। सो मैंने घी गर्म कर दिया है और रवा डाल दिया है उसमें, और लापसी के लिए इधर रख दिया है गर्म पानी, थोड़ी बनानी है ना, कोई नहीं खाएगा, ठीक है। हेलो गाइस, तो संजू बना रहे चावल, बिकॉज ना मुझे चावल में पानी का पता नहीं चलता है कितना पानी डालना होता है। मेरी बात सुनो, हाँ सुड़ सुड़ बोलने आ गई है, गैस कम कर देना। अच्छा मैं आ रहा हूँ, जल्दी आना छाछ लेके, थोड़ी लाना। आपसे मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, चावल चढ़ा दिए हैं,
तो खाना ऑलमोस्ट रेडी है और रोटी संजू खाएंगे नहीं, मुझे ही फास्ट तोड़ना है। संजू तो जस्ट नाम के लिए खाएंगे, इसलिए मुझे सिर्फ दो रोटी बनानी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा है व्रत। सो संजू गए हैं छाछ लेने के लिए है, और सुबह सुबह मैं सारा काम करके गई थी, ये कपड़े वगैरह सब वॉश करके गई थी, सुखाने बाकी झाड़ू पोछा कर लिया था। और अभी मेरे घर की हालत बताऊंगी ना तो आप लोग शॉक हो जाओ कि रियली ऐसा कर दिया लकी ने और संजू ने कर दिया। बताती हूँ कि ऐसे जूते लेके आई है गीले, क्योंकि इधर गीला था, पानी था, इसलिए लाती में हमारा घी छूट गया है पूरा। तो संजू बना रहे कढ़ी, क्या करूं? इधर आओ, रोटी बना दूंगी। हाँ तो रोटी बना दूंगी, वो फ्राई कर दो, छींटे आ जाते हो इनका। कर रहा हूँ। करो, उधर जल जाएगा। नहीं जल रहा है, धीरे धीरे सिख रहा है। बनाया तो इतना सा है, ये जस्ट तड़का लगाया उसमें इन्होंने, और हाथ जला दिया इन्होंने। तो संजू ने बनाई है यहाँ पर कड़ी। कड़ी बन रही है, बनी नहीं अभी तक, कंप्लीट नहीं। अच्छा, इतनी खतरनाक संजू, टेस्ट करनी पड़ेगी कैसी बनी है। अच्छी, मैं खाना अच्छा ही बनाता हूँ। अच्छा हाँ, पास्ता बनाए थे याद नहीं है? पास्ता तो अच्छी बनाया था मैंने। हाँ। मैं खाना बेटर ही बनाता हूँ ना। आटा मैंने लगा दिया, तो मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ। लापसी मैंने इसमें डाल दिए, मैंने इतनी सी बनाई है बिकॉज ऑफ कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए। ये लाल लाल मिर्च डाल दूँ? नहीं, लाल मिर्च कौन डालता है कड़ी में, टेस्टी लगेगी। हाँ से यार, ये संजू क्या कर दिया? ओए चुप, क्या चुप? का नमक दो ना। तो लाल मिर्च कौन डालता है यार कड़ी में? पता नहीं, सांभर बना रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है आप। टेस्टी बनती है पागल, बहुत। अगर अच्छी नहीं बनी ना, छाछ कैसी थी? मैंने, मेरा व्रत है, मैंने टेस्ट नहीं किया। तो व्रत में टेस्ट कर सकते हैं छाछ को। आप करो, कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर ज्यादा है, आप कर लो जाओ। मैं पति से काम नहीं करवाती हूँ, मैं भी करती हूँ। आज सिर्फ इन्होंने आज मेरी मदद की है, बाकी तो रात को वैसे ही ये लेट आते हैं 1 बजे, और सुबह में ये खाना खाते ही नहीं है, इसलिए कुछ बनता ही नहीं है, मेरे लिए ही बनता है सिर्फ, तो मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे 2 ही रोटी बनानी थी मुझे, क्योंकि सिर्फ मुझे खानी है, मेरा फास्ट है, अगर मैं नहीं खाऊंगी इनके चक्कर में तो फिर पूरा दिन भूखी रहूंगी, इसलिए। और ये इतने मान है, मेरी कड़ी में शेजवान डालने जा रहे थे। टेस्टी बनी है कड़ी, एक बार चेक करो। अच्छा, शेजवान तो कोई नहीं डालता होगा, ये इतने मान है, पता नहीं आज टेस्ट में बेस्ट शेजवान है। आज मतलब मैं तो ऊपर पहुंचा के मानोगे आप, है ना? टेस्ट में बेस्ट शेजवान है बेस्ट। पर कड़ी में कोई भी नहीं डालता है। हाँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, संजू ने कड़ी इसलिए बनाई है अपने हाथों से क्योंकि कड़ी पत्ता नहीं थे और ना कुछ उसमें मेथी दाना वगैरह था, तो मैंने बोला कि जाओ लेके आओ, तो इनको बड़ा आलस आ रहा था, तो ये बोलते कि नहीं कड़ी मैं बनाऊंगा, तो मैं बोली हाँ तो फिर ठीक है, जैसी बनेगी वैसी मैं खा लूँगी, आप फ्राई कर दो फिर। तो इसलिए उन्होंने फ्राई की, क्योंकि वो आलसी है, ले सामान लाने के लिए नहीं जाना था उनको, इसलिए। तो ये भोग के लिए जला रही हूँ मैं गोबर या कोयला, जो भी है। इसको छाना बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, गोबर नहीं है वो। अच्छा, निकाल रही हूँ वो, और इनकी कड़ी दिखाती हूँ मैं। वाह, क्या कड़ी बनी है। इसको है ना, आपने वो हल्दी जरा डाल दिया, आपने मेरे हल्दी। अच्छा? मेरे हिसाब से डाल दी जल्दी। लो एक बार आप भूख लगा, आप लगाओ ना, आप किस लिए हो? आप लगाओगे ना? जेंट्स लगाते हैं ना, जेंट्स लगाते हैं भूख। आप हो तो आप लगाओ। ओके 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 ओके, मैं तो बैठ जाती हूँ। ये नारियल का भूख लगाना सब लगाना। ओके, मैं भी हाथ लगा दूँ। एक मिनट। हाँ, की डालो। डालो। भूख लगाओ एक बार। क्या लगा?
चूड़ी नहीं पहनी है साथ में। कोई दिक्कत नहीं। आपका हाथ जल गया इसलिए खोली क्या? खाना बना रही थी ना इसलिए। ओके ओके ओके। कपूर उसके ऊपर रख देना बस। ये गुड़ और आटा चींटियों को भी लाना। ओके ओके ठीक है, ला देना ठीक है। तो यहाँ पे जो वेल देनी होती है तो वो कोई बड़े देते, बट यहाँ पे मुझे संजू ने दी है। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। जैसे मंगलसूत्र अपना पति पहनाता है वैसे मुझे वेल संजू ने दी है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इनसे लेके। और इन्होंने बाद में मुझे पहनाई भी थी, बट वो मैं नहीं ले पाई क्योंकि हम दोनों ही थे तो लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसमें दो होती है, एक जो दाड़ा बाबूजी की होती है और एक दशा माता की होती है। सो इन दोनों को चांदी की जो घुंघरू होता है पायल का वो डाल के वो फिर उसको पहनना होता है। तो मैं इसको भी गांठ खोल के फिर देन इसके बाद मैं पहनूंगी। खाना खाने से पहले इसको पहनना होता है, जो भोग लगता है उसके ऊपर से निकाला, और दशा माता की स्टोरी सुनी थी उसके ऊपर से भी निकाला था मैंने, जैसे मेरी मम्मी ने और बड़ी मम्मी ने बताया था दोनों ने, तो उस तरीके से मैंने किया है। तो अब मैं पहन लेती हूँ इसको। और वहाँ पे कोई स्टोरी सुनाने वाला नहीं था तो इसलिए मैं घर पे कर रही हूँ। आड़ी वाड़ी सुनारी वाड़ी जमीन वाड़ी सीता नारी कई पूजे दशा माता दाड़ा बाबूजी वाड़ी पूजे सूरज ओपन रणा देरी वाड़ी पूजे चांदवासी सोसर देरी वाड़ी पूजे पथवारी माता री वाड़ी पूजे गणपति वाड़ी पूजे लक्ष्मी नारायण रे वाड़ी पूजे तेतीस करोड़ देवी देवता री वाड़ी पूजे वाड़ी पूजा कई हुई अनवी दनवी लावी लश्कर वे साई जी राज वे पुतारो पर ओड़ा हमार गोबर वे कविया। तो संजू निकाल रहे मेरे पायल के अंदर से घुंघरू वेल में डालने के लिए, और इनका हाथ इतना जल गया। एक ही चाहिए, एक ही निकालना है। एक ही निकाल रहा हूँ मैम साहब, दो चार नहीं निकाल रहा हूँ। थैंक यू। पापा को खिलाती है ना फिर खाती है, इसलिए आप फ्राई करो। कैसी बनी आपके हाथ की कड़ी? कड़ी तो एक नंबर। अच्छा मेरी लैब से ट्राई करो। अच्छी बनी, शक्कर थोड़ी कम है। हाँ मैं नुक्स निकालती हूँ आपके, रुको। पर सच में अच्छी बनी है कड़ी। अच्छा, नमक ज्यादा है। मेरे को सब आता है बनाना। हाँ। वो देखो उधर कपड़ा का ढेर पड़ा हुआ उधर। इनकी कड़ी में नमक ज्यादा है और मेरी लापसी में गुड़ कम है। कोई ना, देखो थोड़ा थोड़ा 50-50 दोनों कर लेते हैं। तो संजू जा रहे वापस थैले पे। ये रोटी गाय और कुत्ते को देनी है। लो दोनों को देना अलग अलग, गाय और कुत्ते के लिए। हाँ अलग अलग है दोनों, ठीक है चलो बाय। हाँ हेयर्स को मैंने खुला छोड़ा था बिकॉज ऑफ पूजा करते तो बाल इसमें कंघा नहीं डालना होता है, तो मैंने कंघा भी नहीं डाला और मैंने बाल में स्मूथनिंग करवा रखी है, तो वो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो ऐसे ही रहता है, ऐसे लगता है कि मैंने हेयर्स बनाए, इसलिए बाल मैंने खोल के रखे थे। और ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई मैं, ऐसे ही जस्ट थोड़ा बहुत काजल वगैरह लगा लिया जो मैं कभी नहीं लगाती हूँ, आज लगा लिया है। और पूरे फेस पे इस लहंगे की वजह से शाइन शाइन चमकी चमकी आ गया। और ये जो पूरा लहंगा आप लोग देख रहे हो ये जो है मेरे शादी का जोड़ा है, क्योंकि शादी का जोड़ा पहनना होता है इसलिए मैंने ये पहना है। और ये मेरे घर का है ना कि मामा के घर का। मामा के घर की तो वो जो देखा था आपने चूनर वाला जो लहंगा था वो आया था हमारा।
हेलो एवरीवन, तो संजय जस्ट गए हैं शॉप पे और मैंने खाना वाना बना के उनको खिलाया। सबसे पहले बोलते हैं कि पति को, सास ससुर, इन सबको खिलाना होता है, तो घर में तो कोई बड़ा है नहीं है, तो वो संजू ही है, तो उनको खिलाया है मैंने और वो गए अभी। तो खाने में स्पेशल आज के दिन कढ़ी चावल, लापसी वगैरह यही सब बनता है, माताजी को इसका ही भोग लगता है, तो मैंने ये सब बनाया था और संजू ने भी मदद की मेरी। बेचारे का हाथ जल गया आज उनका, परसों उनकी वजह से मेरा जला था, ये आप लोग देख सकते हो इधर, मुझे तेल पूरा ऊपर आ गया था मेरा। और बाल मैंने आज खुले ही रखे थे बिकॉज कंघा नहीं डालते बोलते, तो मैंने स्मूथनिंग करवा रखी है, तो मेरे बालों में ऐसा लगता है कि मैंने अभी कॉम किया है, बट नहीं, यहाँ पे जस्ट मैंने पिनअप किया था और ऐसे ही खुला रखना होता है। ज्वेलरी आज मैंने वेयर नहीं की थी, इनफैक्ट मंगलसूत्र भी वेयर नहीं किया था मैंने, क्योंकि मम्मी जी ने नहीं दिया, मम्मी जी दे ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, अभी उनको पहनना क्या। वैसे भी उन्होंने मतलब कि जब बनवाई थी ज्वेलरी तो सब चॉइस मैंने की थी, मैंने ऑनलाइन डिज़ाइन बताई थी, तो मैंने बोला था कि सब छोटा छोटा बनवाना है, तो उन्होंने हार बाजू वगैरह सब बड़े करवा दिए थे, वो पीछे मोती डालते ना तो वो उनके साइज़ के करवा दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि रिसेप्शन में पहननी उनको मैंने दी थी, देन मेरे पानी पीने की रस्म हुई थी उस दिन शायद मैंने पहनी थी, और फिर मैं मुंबई जा रही थी तो उन्होंने बोला कि हम भी इधर कोई फंक्शन होगा तो पहनेंगे, तो भाभी और मैंने उन दोनों को दे दी, तो भाभी के पास जो कुछ थी उन्होंने वो मम्मी जी को दे दी, अब वो दे भी नहीं रहे एक भी, पता नहीं क्यों, बट कोई ना, मैंने मेरी जो वेडिंग में पहना था शादी में वही पहना, जूड़ा वगैरह बंद नहीं बनाया क्योंकि नहीं बनाते हैं ना आज, इसलिए तो मैं ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई थी। और बस इतना ही, अब मैं करूँगी पूरे घर की सफाई और क्या, थोड़ा ही सब पूरे घर की सफाई करने के बाद में थोड़ा टाइम में सोऊंगी। बहुत ज़्यादा खा लिया है आज, कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी बट नमक बहुत ज़्यादा था, और संजू को लापसी इसलिए मीठी नहीं लगी थी क्योंकि उन्होंने पहले पेड़ा खा लिया था, मैंने पेड़ा नहीं खाया था, मेरा फेवरेट लेके आए थे शक्कर वाले पेड़े, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मीन्स की बचपन से, और मैंने एक हाथ में ही पहन रखी क्योंकि मैं खाना बना रही थी ना, यू नो बट। तो ये मेरे हाथों में मेहंदी का कलर आया है, मीन्स कि इतना तो मेरी शादी में भी नहीं आया था, वो कोन अच्छे नहीं थे, लगाई बहुत अच्छी थी उन्होंने, मैंने जिनसे बनवाई थी उन्होंने, तो इधर मैंने भाभी संजू लिखा है और बस इतना ही किया था, पैरों पे वगैरह नहीं बनाई बिकॉज ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है मेहंदी लगाना, मुझे स्मेल काफ़ी पसंद है मेहंदी की बट नहीं लगाई। तो संजू ने ना सुबह इस तरीके से पिनअप किया था ना कि मुझे पता ही नहीं पीछे से ऐसे हो रहा था, और पिनअप करते करते ना ये पिन ना उन्होंने पिन ना अपने अंगूठे में डाल दी थी और ब्लडिंग होने लगी थी सुबह लिटरली, और मेरे को पता नहीं क्या जोकर की तरह पहना दिया था उन्होंने, क्योंकि आप पहन सकते हो, रेडी हो सकते हो, पिनअप नहीं कर सकते हो खुद से, क्योंकि पीछे वगैरह ऐसे पिनअप करना होता तो नहीं कर पाते, तो महान पतिदेव ने मुझे आज जोकर बना के भेजा था वैसे वहाँ पर, और गला मेरा खराब हो गया है पता नहीं क्यों, आई थिंक सुबह से कुछ खाया नहीं और डायरेक्ट आप मीठा खाते हो तो गला खराब हो जाता है इसलिए। एंड थैंक यू सो मच करीना, आप मुझसे छोटे हो बट फिर भी आपको पूजा करते, इसका दशा माता का पूरा नॉलेज था, पूजा का तो मुझे भी है बट क्या बोलते हैं जो दशा माता की वगैरह करते तो कुछ आइडिया नहीं था, तो करीना ने मुझे सब बताया और वो मेरे साथ में आई और इतनी हेल्प की, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं इस ब्लॉग को यही एंड करूँगी, इफ़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।